हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एडुकेटर खुशी, एम कॉम नेट क्वालिफाइड, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इससे पहले की वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था। छोटा सा एक प्रीव्यू दूंगी कि क्या हमने किया था। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेट और इक्विटी का कम्बिनेशन है, या डेट और इक्विटी के अंदर जो रिलेशनशिप होता है कि कितना डेट यूज़ करेंगे कितना इक्विटी यूज़ करेंगे, वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में हम बात करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म कहाँ कहाँ से पैसा रेज करना है, उसके बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो रिड्यूस होनी चाहिए। दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के। इसके बाद हमने कुछ क्वालिटीज़ पढ़ी थी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या क्या रिलेवेंट पॉइंट्स थे, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप प्लस वन प्लस टू की बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना है। यहाँ पर आपको थ्योरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप स्कूल लेवल पर हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज लेवल पर हैं, आप बी कॉम, एम कॉम, बी बी ए, एम बी ए या अदर कोई भी कोर्स कर रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। आपके एग्जाम में भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ही आएंगी, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। सो इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लें, और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती क्या है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, या इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर मॉडल्स भी बोल देते हैं। इसमें दो तरह के मॉडल आते हैं। सबसे पहले होता है रेलिवेंट मॉडल या रेलिवेंट थ्योरीज, और सेकंड आता है इररेलिवेंट थ्योरीज या इररेलिवेंट मॉडल्स। तो रेलिवेंट थ्योरी क्या कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इफेक्ट होगी। कैसे? जैसे हम सबसे पहले देखो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारी ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ा देते हैं किस फॉर्म में, हम डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। डेट को ज़्यादा यूज़ करने से हमारी जो भी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, वो इफेक्ट होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से इफेक्शन अगर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं रेलिवेंट थ्योरी। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेट का पोर्शन कम कर दें, डेट का पोर्शन अगर हम कर देते हैं तो भी हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे इफेक्ट होती है, कैसे होती है, ये हम थ्योरीज में करेंगे। बस इतना याद रखो कि अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से आपका जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो चेंज हो जाती है, दैट मीन्स एक चीज़ को चेंज करने से दूसरी चीज़ चेंज होती है, वो एक चीज़ दूसरी चीज़ को इफेक्ट करती है, या ये बोले कि ये हमारा कॉज है और ये हमारा इफेक्ट है। कॉजेशन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी एक चीज़ में चेंज होने से दूसरी चीज़ में चेंज हो रहा है तो वो आपकी रेलिवेंट थ्योरी है। सेकंड आता है इररेलिवेंट थ्योरी। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना मर्जी चेंज कर लो, हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो अफेक्ट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इररेलिवेंट थ्योरी है। तो इररेलिवेंट थ्योरी क्या कहता है कि चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ाओ, चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर को कम कर दो, आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब रेलिवेंट थ्योरीज के अंदर दो तरह की थ्योरीज आती हैं। सबसे फर्स्ट है नेट इनकम अप्रोच, जिसे हम NI अप्रोच बोलते हैं, और सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसे हम NOI अप्रोच बोलते हैं। और अगर हम रेलिवेंट की सेकंड देखें, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच कॉम्बिनेशन है दो थ्योरीज का। कौन कौन सी दो थ्योरीज का? सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच का और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं या इन दोनों का मिक्सचर यूज करके चलते हैं तो हमारी बनती है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि रेलिवेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट है मोदी गिलानी मिल्लर अप्रोच, MM अप्रोच भी इसे बोला जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आर्बिट्रेज का एक प्रोसेस आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो मोदी गिलानी मिल्लर अप्रोच है, MM अप्रोच है, वो इररेलिवेंट का है। इसमें भी यही बोला गया है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब किस तरीके से इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो देखते हैं। कहते हैं हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ऐसा रखना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, जहां पर आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। वेल्थ किसकी मैक्सिमाइज होगी? शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऑनर्स होते हैं। तो ऑनर्स की अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए तो जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये जो फर्म है वो काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है, तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। और सेकंड, इसमें देखो वैल्यू ऑफ द फर्म है, सेकंड कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो कैपिटल आपने मार्केट से अरेंज की है, आपने इक्विटी ली है, आपने डेट लिया है, या आपने बैंक लोन लिया है, या एक्स वाई जेड आपने किसी भी तरह के कोई भी फॉर्म को यूज करके आपने मार्केट से कैपिटल रेज की है। तो जब आपने कैपिटल रेज की तो आपको उसके ऊपर क्या कॉस्ट पड़ी, आपको क्या एडिशनली देना पड़ेगा। देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो तो हमें रीपे करनी ही करनी पड़ती है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आप एडिशनली क्या पे कर रहे हैं। जैसे अगर हम शेयर्स की बात करें, आप शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर सकते हैं, जैसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, तो उस फॉर्म में आपको डिविडेंड देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर्स इशू कर दें, जिसे हम लोन कैपिटल बोलते हैं, तो उस लोन कैपिटल को रेज करने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन ले लेते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आपको कैपिटल रेज करने के लिए किस तरह से आपको कॉस्टिंग करनी पड़ी, तो ये क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अब ये दोनों ही सीन में क्या बोला गया है कि आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं, कि बिल्कुल परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी वेल्थ ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं, हमारी वेल्थ जो है वो बढ़ जाए और कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, इससे हमारी जो वैल्यू होती है फर्म की, वैल्यू ऑफ फर्म हम बोल सकते हैं, रेपुटेशन है, गुडविल है, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और अगर वैल्यू बढ़ गई तो हमारा जो मार्केट प्राइस होता है किसका, शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जितने भी हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम डिसीजंस लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन ऑप्टिमम फॉर्म में लेंगे, हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, जिससे लोग हमारी कंपनी के शेयर्स और ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे, और जिससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से फिर से हमारा प्राइस बढ़ेगा। तो अपने कंपनी को अपर लेवल पर लेकर जाने के लिए आपको बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, जिसमें से एक डिसीजन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जिसे हम फाइनेंसिंग डिसीजन भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म के नेचर में। तो ये था बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी रिक्वायर्ड थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी रेलिवेंट अप्रोच। रेलिवेंट अप्रोच में सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच को हम एनआई अप्रोच भी बोलते हैं। जो एनआई अप्रोच है वो डेविड डुरांड ने दी थी। डेविड डुरांड ने इसमें क्या बोला कि जैसे जैसे आप डेट का रेशो ज्यादा यूज करोगे, डेट का रेशो ज्यादा यूज करने से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स एडवांटेज मिलता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डेट का यूज करने हैं और हम एक साइड पे प्रेफरेंस शेयर्स को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उस केस में जो हमारे पास इक्विटी के लिए जो पोर्शन बचा था वो ज़्यादा था, और हमारे पास जो प्रेफरेंस के बाद, जो इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, जो भी पोर्शन हमारे पास इक्विटी के लिए बचा था एज कम्पेयर टू दिस क्या था, वो लेस था। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया था, टैक्स एडवांटेज मिला था। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट समझाया था, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, टैक्स एडवांटेज आपको मिलता था, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। बस यही समझाना चाहती हूँ कि जैसे हम डेट को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम आ जाएगी। अगर कॉस्ट कम आ जाएगी तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि कॉस्ट कम आने से या वेल्थ के बढ़ने से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। तो कॉस्ट यहाँ पर कम होगी जिससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। तो मोर यूज़ ऑफ डेट, इसीलिए डेविड डुरांड ने सजेस्ट किया कि हमें हमारी कंपनी में डेट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें कॉस्ट एडवांटेज मिलती है, हमें कॉस्ट कम पड़ती है, टैक्स एडवांटेज मिलती है, और हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। अगर हम डेट को कम यूज़ करते हैं तो इन दैट केस डेट को कम यूज़ कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर के थ्रू हम लोग अपनी कैपिटल को रेज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले तो हमें टैक्स का एडवांटेज नहीं मिला। सेकंडली, अगर हम इक्विटी को इशू करते हैं तो इसमें बहुत सारी कॉस्टिंग आ जाती है, जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट ही होती है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं, कमीशन देनी पड़ती है, तो उस केस में हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और अगर कॉस्ट बढ़ गई तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली कंसर्न था डेविड डुरांड का, और डेविड डुरांड ने यही बोला कि डेट को आप ज़्यादा यूज़ करके आप टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। इसके बाद आती हैं इसकी अजम्पशंस, कुछ ऐसी अजम्पशंस जो कि नेट इनकम अप्रोच में मानी गई थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों की रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जो अजम्पशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करने के लिए होती है कि ये चीज़ ऐसा ही होगा, लेकिन रियल सेंस में वैसा नहीं होता है। तो अजम्पशन पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अजम्पशन के बेस पर ही
आपकी लिमिटेशंस भी बन के आती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट बोला कि टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट या इक्विटी, कि सिर्फ दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, या तो आप डेट से पैसा कलेक्ट कर लो या फिर इक्विटी के थ्रू आप पैसा कलेक्ट कर लो, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, तो इन्होंने सिर्फ दो ही सोर्स लिए, ये हमारा फिर क्रिटिसिज्म बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है। फिर कहता है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि आप जो डिविडेंड पे करोगे वो 100%, मतलब आपको कुछ रिटेन नहीं करके रखना, 100% ही जो आपने कमाया वो सारा का सारा शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दे दो, आपको कुछ भी रिटेन नहीं करना। तो थर्ड पॉइंट वही कहता है कि नो रिटेन्ड अर्निंग, आपको रिटेन्ड अर्निंग नहीं करती है। और यहाँ पर जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप वो भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये बता सकते हैं कि 100% तो हम करते नहीं, ये सिर्फ अज्यूम किया गया है, क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ तो रिटेन करके रखेगी, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए कंपनी अपने पास कुछ रिजर्व्स बना के रखती है, रिटेन्ड अर्निंग करके रखती है। नेक्स्ट कहते हैं कि नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जबकि हमें पता है कि इक्विटी को इशू करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट लगानी पड़ती है, कमीशन होता है, ब्रोकरेज होता है, अंडरराइटर होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमें कुछ पे करना पड़ता है अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए। तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, प्लस कुछ स्टेशनरी कॉस्ट भी हो सकती हैं, हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, तो उसमें भी बहुत सारी कॉस्टिंग हो जाती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जब हम हमारी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हैं चाहे वो शेयर्स हैं, तब भी वहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो ये सिर्फ अज्यूम करना है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट कहता है नो पर्सनल टैक्स एंड नो कॉर्पोरेट टैक्स, कि आपके पास कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, दैट मीन्स जो भी आप कमाओगे वो आपकी इनकम है, आपको कुछ भी टैक्स के रूप में पे नहीं करना, लेकिन इन रियल सेंस आपको पर्सनल टैक्स भी देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है, तो ये सिर्फ अजम्पशन है। नेक्स्ट, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, जहां पर जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके सबके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट किस तरीके से डिविडेंड दे रही है, मार्केट कैसी है, ये कंपनी कैसी है, कंपनी में कौन कौन है, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें, हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी किसमें, परफेक्ट मार्केट में। तो ये कहता है, ये अज्यूम करके चलो कि जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे डेट एंड इक्विटी में, वो परफेक्ट मार्केट के अंदर होगी, कोई और मार्केट नहीं है। फर्म लॉन्ग लाइफ, कहते हैं जो फर्म की लाइफ है ना वो लॉन्ग है, इसे हम परपेचुअल लाइफ भी बोलते हैं या परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, कि जो फर्म है वो लॉन्ग लाइफ तक चलेंगे। अब कोई भी पर्सन अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कोई फर्म स्टार्ट कर रहा है, वो ये सोच के चलेगा कि मुझे ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक करना है, ऐसे नहीं आज शुरू किया अगले साल मैं बंद कर दूंगा, ये कभी भी किसी की सोच नहीं होती। तो क्या परसेप्शन होना चाहिए कि हमें लॉन्ग लाइफ तक एग्जिस्ट करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है और हमें और ज़्यादा एक्सपेंशन करनी है, तो जो फर्म है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये हम अज्यूम करके चलेंगे। कॉन्स्टेंट रिस्क, कहते हैं जो रिस्क है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब जो रिस्क है वो बढ़ेगा नहीं, और जो रिस्क है ना वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर पे और फाइनेंशियल रिस्क पे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टेंट कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस जो है वो गिरेगा नहीं, डाउन नहीं होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है या उनको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि जो हमारी पिछली बार अर्निंग्स हुई थी वैसी ही हमें अर्निंग होगी और वैसी ही हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर्स का वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट KD एंड KE, KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ पर जो K है वो कॉस्ट के लिए लिया जाता है, जबकि COST, C से स्टार्ट है ना, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक पॉइंट लिया जाता है दैट इज़ K, और उसके नीचे लिखा जाता है D, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो चेंज नहीं होती, वो कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट, KD जो होती है वो लेस होती है KE से, ये आपको दो अजम्पशंस याद करनी पड़ेंगी कि कॉन्स्टेंट होती है हमारी KD और KE, जबकि जो KD होती है हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो कम रहती है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो हमारी ज़्यादा रहती है। जैसे यहाँ पर देखो तो कॉस्ट ऑफ ई से छोटी है, कम है, इससे नीचे है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। अब जब भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करेंगे या कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे, जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते गए, हम डेट का प्रपोर्शन इस तरीके से आगे जा रहे हैं, तो जिस तरीके से ये आगे जा रहा है उसी तरीके से हमारी ओवरऑल कॉस्ट, KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो रही है, डाउन आती जा रही है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेट का यूज़ करेंगे, डेट को जितना ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी, तो वही चीज है कि जितना हम डेट को यूज करेंगे उतना ही हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी।
और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले की बात करें, दैट इज वी इज इक्वल्स टू ई बी आई टी डिवाइड बाई के ओ। वी मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म, हमें फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ी है, कम हुई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म को फाइंड आउट करने के लिए ई बी आई टी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करना होता है हमें के ओ से, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट बच्चों में ये डाउट रहता है कि हम सिर्फ इतना ही लिख के आए, ये तो मेरा हाफ पेज ही है सिर्फ, ये डायग्राम भी बना दे फिर भी फुल पेज फिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट ये चीजें भी अगर आप लिखते हो, डायरेक्ट डेट को बना दो ऐसे कि डेट इंक्रीज करने से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी, ये आप बना के एक बॉक्स में कर दो। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करो अपनी वर्डिंग्स में, या एक बार आप बुक रीडिंग लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ आप इसको करते जाओगे तो आपको पेज फिल होने लग जाएंगे। अजम्पशन मैंने सिर्फ एक लाइन ली है और उसको आपको मैंने समझाया है, आप क्या करो इसको लाइन पॉइंट बना दो। उस पॉइंट के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में जो भी मैंने आपको अभी समझाया है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स अगर आप करते हो, इट्स अबाउट 10 पॉइंट्स मैं बोल सकती हूँ कि ये लगभग 10-12 पॉइंट हैं, तो आप अगर इनको पढ़ते हो, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो आपको 3 से 4 पेज यहीं तक फिल हो जाएंगे। उसके बाद आप फॉर्मूले के साथ इस डायग्राम को बना सकते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 4-5 पेज बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ नेट इनकम अप्रोच के भर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ नेट इनकम अप्रोच ही क्वेश्चन में पूछी गई है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, सभी को एक्सप्लेन करो, तो आप सबको ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि 5 पेज तो इसमें भर दिया, हमारे पास 3 थ्योरीज और हैं। तो आप उस प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं कि जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया और कितना आपसे पूछा गया है। सो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच किसने दी, डेविड डुरांड ने दी। अब जो प्रीवियस हमने थ्योरी की थी दैट इज नेट इनकम अप्रोच, ये किसने दी थी, ये भी डेविड डुरांड ने दी थी। डेविड डुरांड ने पहले बोला कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट होगी, लेकिन दूसरी बार उसका माइंड बदल गया, उसने कहा कि भाई कुछ चीजें और भी हैं, अगर हम उन्हें अपने माइंड में लेके चले तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं भी पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही पर्सन ने दो दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए और दोनों ही अलग अलग थ्योरीज में जनरेट कर दिया। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जिसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो यही लिखा गया है कि अपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच। तो ये जो थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, एनओआई अप्रोच है, ये अप्रोच नेट इनकम अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, क्योंकि हमने अभी किया कि जो नेट इनकम अप्रोच है वो रेलिवेंट का पार्ट है और नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो इररेलीवेंट का पार्ट है। इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट होगी और इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया चेंज इन द डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इफेक्ट नहीं हो रहा तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म भी अफेक्टेड नहीं होगी। वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्टेड बाय ऑपरेटिंग इनकम एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म, इन्होंने बोला कि डेट के चेंज करने से वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म के इफेक्ट किस चीज से पड़ता है, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग इनकम से पड़ता है, उसके बाद अगर बिजनेस में उसी सेम बिजनेस में कुछ रिलेटेड रिस्क आ जाता है तो वहां पर उस बिजनेस रिस्क से भी हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस ली गई हैं और ये अजम्पशन ऑल अबाउट सेम रहेंगी जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी, कुछ एक चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो दो रहेंगे। प्रीवियस में भी हमने किया था कि डेट और इक्विटी दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस थे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट, लेकिन प्रीवियस वाले में जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो डिक्रीज हो रही थी, दिस इज डिक्रीज, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम है इसके अंदर क्या बोला गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेट के प्रोपोर्शन में चेंज करने से हमारी कॉस्ट ऑफ डेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे मैंने ऊपर ही आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो पर्सनल टैक्स नो कॉर्पोरेट टैक्स, की पर्सनल टैक्स भी नहीं होगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं होगा और रिस्क भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे सेम ही हैं। एक पॉइंट बीच में से रह गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और प्रीवियस हमारे थ्योरी में भी यही था, नेट इनकम अप्रोच में भी कॉस्ट ऑफ डेट कम था और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो था वो ज्यादा था। उसी फॉर्म में सेम चीजों को फॉलो करते हुए फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम ही है। तो इस तरीके से डायग्राम में देखें तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, सबसे पहले यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी, तो डायग्राम में कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो रही है,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट को कांस्टेंट रख रहे हैं, दिस इज अ अजम्पशन, तो कॉस्ट ऑफ डेट को हम अजम्पशन के फॉर्म में इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़े, और यहाँ पर देखो क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट से इस क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा है, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो एक स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट बनेगी। सो यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला डी इंक्रीज होगा, डी मतलब हमने क्या किया, हमने अपने डेट को इंक्रीज किया। डेट को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं। पहले डेट यहाँ पर जीरो पे पड़ा था, हम जैसे 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 डेट को बढ़ाते जाएंगे जो रिस्क होता है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेट को बढ़ाने से जो रिस्क होता है, रिस्क किस तरीके से कि हमें पर ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर एनम, चाहे वो बैंक लोन ले लो या फिर डिबेंचर ले लो। डिबेंचर पे तो एनुअली हाफ ईयरली पे किया जाता है, तो हाफ ईयरली हो या बैंक लोन पे एनुअली हो, तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो देना ही देना पड़ेगा, तो रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हमारे डिबेंचर को ज़्यादा इशू करेंगे तो इससे हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। अब अगर हमारा रिस्क बढ़ गया तो जब हम शेयर्स इशू करने जाएंगे मार्केट में, तो जो हमारे न्यू शेयर होल्डर, एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर्स होंगे, वो क्या कहेंगे कि आपकी कंपनी में तो रिस्क ही बहुत है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो हमें क्या आप हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं, वो अपनी जो रिटर्न है वो ज़्यादा मांगेंगे। और अगर यहाँ पर वो अपनी रिटर्न ज़्यादा मांग ले तो वो एक्सपेक्ट करते हैं हायर रिटर्न बाय द शेयर होल्डर। अगर ये ज़्यादा मांग ले तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ से रिस्क बढ़ गया, हम यहाँ से लोगों को ज़्यादा डेट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे शेयर होल्डर्स को भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर को ज़्यादा पे करने से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, लेकिन हमारा रिस्क भी ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है कि आपका रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन आप पे भी ज़्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो कॉन्स्टेंट फॉर्म में आ जाती है। तो ये थे आपकी दो थ्योरीज, जिसमें से एक थ्योरी मैंने आपको रेलिवेंट की करवाई और सेकेंड थ्योरी मैंने आपको इररेलीवेंट की करवाई। नेक्स्ट थ्योरी हम चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे, और ट्रेडिशनल अप्रोच इज जस्ट अ कम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच हम पहले करते हैं, उसके बाद हम मोदी गिलानी मिलर अप्रोच MM अप्रोच पे चलेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये अप्रोच दी गई थी इस्टा सोलोमन एंड फ्रेड वेस्टर्न के द्वारा। इसमें क्या बोला गया कि हम मिक्सचर यूज करेंगे वो दोनों अप्रोचेस का जो हमने अभी किया है, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों का ही ये मिडवे अप्रोच है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। किस तरीके से, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि अगर हम रेलिवेंट थ्योरी को यूज करें, दैट मींस हम नेट इनकम अप्रोच को यूज कर रहे हैं, जिसमें ये बोला गया कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन यूज करते हैं, इससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमें ये बेनिफिट ना एक लिमिट तक मिलता है। अगर हम उस लिमिट से ज्यादा डेट को यूज करेंगे ना, तो वही डेट हमारे लिए रिस्क और बर्डन बन जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उस लिमिट तक तो आपको इस थ्योरी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस लिमिट के बाद आपको क्या करना चाहिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम को यूज करना चाहिए। तो वही यहां पर लिखा गया कि डेट शुड बी यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज करना है, लेकिन कब तक, अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट तक करना है, लिमिट से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि उस लिमिट के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कम होता जाएगा। तो जब हम लिमिट तक एक्सेसिव ऑफ बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन उस लिमिट के बाद हमारी जो कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगी, तो बियॉन्ड दिस लिमिट इफ डेट इज इंक्रीज, उस लिमिट के बाद भी हम डेट को इंक्रीज करते जाएं, तो यहां से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होने लग जाएगी, और ओवरऑल कॉस्ट भी हमारी बढ़ने लग जाएगी, तो ऑल विल बी इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी डिक्रीज। और अगर हमारी कॉस्ट, सारी ही कॉस्टें जितनी भी डेट की है, इक्विटी है, ओवरऑल कॉस्ट है, सारी कॉस्ट ही बढ़ने लग गई, तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाएगी। इसमें कुछ अजम्पशन है, सबसे फर्स्ट वही सेम, टू सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेट एंड इक्विटी दो तरह के सोर्स हैं। उसके बाद जो KD है, कॉस्ट ऑफ डेट है, उसे कॉन्स्टेंट रखा गया, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद अगर हम यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। KE की बात करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें, वो भी हमारी क्या है, पहले तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली वो क्या होगी, धीरे धीरे वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी।
ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी क्या है, कांस्टेंट है। रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, रैशनल इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर्स को हर टाइप की नॉलेज है, वो समझदार है इन्वेस्टर्स, हमें किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कहाँ से रिटर्न ज़्यादा आएगी, हर एक चीज़ इन्वेस्टर्स को पता है, इन्वेस्टर्स रैशनल है। फर्म की परपेचुअल लाइफ है, वही फर्म एक लॉन्ग लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, फर्म लॉन्ग लाइफ चल रही है, फर्म अपना फ्यूचर सोच रही है, तो फर्म की लाइफ जो है वो परपेचुअल है। रिस्क कांस्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हम पहले कर चुके हैं। जो एक आधी चीज़ आई है वो केडी और केई के बारे में, कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ये कांस्टेंट रहेंगे केडी और केई, उसके बाद हमारी जो केडी है और केई है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो इंक्रीज होने लग जाएगी। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें देखो क्या बोला गया कि ये हमारी कुछ कॉस्ट है केडी केई एंड के ओ, तो ये तीन तरह के हमारे पास कॉस्ट हैं। और सबसे पहले हमारी स्टेज वन, जहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो एक कांस्टेंट फॉर्म में है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कांस्टेंट है इस पॉइंट तक, उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट भी हमारी कांस्टेंट है, और हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज हो रही है। इस फॉर्म में हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो रही है, मतलब अच्छा है, बढ़ने दो, वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ने दो। इस पॉइंट के बाद जब हम सेकेंड फेज में या सेकेंड स्टेज में आते हैं, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट फिर भी हमारी कांस्टेंट है कि इतनी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ती जा रही है, और जब हमारी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी तो वो हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट देखें तो ये भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ तक ये भी ऑप्टिमम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे वैल्यू से भी ऊपर हो गई है, मतलब हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, और हमारी कॉस्ट जो है वो उससे भी ऊपर चलेगी। तो हम हमेशा करके चलते हैं कि हमारे जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए हमारी कॉस्ट से, तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन दैट केस यहाँ पर सिर्फ ये एक पॉइंट है, ये एक ऐसी पॉइंट बना सकते हो आप कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारे तीनों के तीनों कॉस्ट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म से कम है। इसके बाद हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ रही है, अगर वो बढ़ रही है तो वो हमारे लिए अब फायदेमंद नहीं है, तो हमें अब इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में फिर ये जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है और हमारी कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ रही है। अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज हमारे लिए फेवरेबल स्टेज है, थर्ड स्टेज हमारे लिए अनफेवरेबल है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड में से भी हम ऑप्टिमम किसे बोलेंगे, जहाँ पर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट कम रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम रहेगी, और हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल पे होगी। तो यहीं पर देखो अभी तो फर्म की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ने दो जब तक बढ़ती है, तो इस लेवल पर आके जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कांस्टेंट हो गई है, तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट है या ये वाली जो स्टेज है वो अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस में। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर सेकेंड स्टेज पर ही पाया जाता है। लास्ट हमारे पास थ्योरी आती है, दैट इज़ मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जो कि इररिलेवेंट थ्योरी के अंदर है। इसमें भी क्या बोला गया कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो उससे आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इररिलेवेंट थ्योरी है तो चीज़ वही चलेगी। लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आई, जैसे हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ा, तो उसमें कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दी कि क्यों ऐसा होगा या क्यों हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में, एमएम अप्रोच में जो बोला गया, दैट इज ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर क्या लिखा गया, दैट इज चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आप चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इफेक्ट नहीं पड़ा तो वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जैसे NOI अप्रोच में बोला था वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में किसी भी तरह के कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन MM अप्रोच में इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दी गई कि एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, आर्बिट्रेज प्रोसेस किस तरीके से समझाने की कोशिश करता है, कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिक्योरिटी है, शेयर्स हैं या कोई भी सिक्योरिटी है, उसके प्राइस ज़्यादा है, अगर प्राइस ज़्यादा
तो सेलर क्या करेगा, उस चीज़ को सेल करने की कोशिश करेगा कि जितना ज़्यादा बिक जाए उतना अच्छा, क्योंकि प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, उसे प्रॉफिट अच्छा होगा। सेलर अपने जो सेल करना वो बढ़ा देगा, तो सेलर ने अपनी सेल्स जो है, या सप्लाई हम बोलते हैं, तो सप्लाई उसको बढ़ा देगा। और जैसे ही मार्केट में जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, मार्केट में जो एक्सेसिव ऑफ सप्लाई हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे जो प्राइस हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो देखो, मार्केट में पहले प्राइस अप थे, अब प्राइस डाउन हो गए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो जो मार्केट है वो अपने आप ही जो प्राइस है उसको बैलेंस कर देती है, इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड, अगर हम प्राइस को घटा दें, प्राइस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो जो परचेजर होते हैं वो अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, लोग परचेज करना स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि प्राइस कम है, किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ये आप लॉ ऑफ डिमांड में, और ये चीज़ आप लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर प्राइस के कम होने से लोगों ने डिमांड करनी ज़्यादा कर दी। अगर डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी लेकिन मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई नहीं है, एक्सेस ऑफ डिमांड हो गई है। अब इस एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से क्या होगा, हमारे मार्केट में प्राइस अप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि इसी चीज़ के थ्रू हम बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं बीच में जो इन चीज़ों को ऑलरेडी न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेज का प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है, कि आप क्या करते हो, किसी एक मार्केट में कोई एसेट खरीदते हो और वो एसेट कम प्राइस में खरीदते हो, और सेकंड मार्केट में जाकर आप उस एसेट को ज़्यादा प्राइस में बेच देते हो और बीच का प्रॉफिट आप कमाते हो, जिसे हम आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। बाइंग एसेट फ्रॉम वन मार्केट, एक मार्केट से आपने एसेट्स को खरीदना है, किस रेट पर खरीदना है, एट द लोअर प्राइस, एंड सेल द सेम इन द अनदर मार्केट और एक्सचेंज एट हायर प्राइस। कि आपको किसी अनदर मार्केट में जाके या किसी एक्सचेंज प्लेस पे जाके आपको क्या करना है, उसी एसेट को जिसको आपने कम प्राइस पर खरीदा था उसको हायर प्राइस पर बेच देना है, जिससे आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, जिसे हम आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन सेम वही कि यहाँ पर परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, ये हमें पॉइंट पता है, हमने अभी डिस्कस किया है। इन्वेस्टर जो हैं वो रेशनल हैं, समझदार हैं, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में पता है। फ्री टू सेल एंड बाय एनी सिक्योरिटी, कि कोई भी सिक्योरिटी है, चाहे वो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, तो उसको हम खरीद या बेच सकते हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल फ्रीली हैं कि आप किसी भी सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकते हैं, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल हम बोल सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स विदाउट कॉस्ट, कि इन्वेस्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन है, इसी को तो हम इन्वेस्टर रैशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, कि सारी ही इन्फॉर्मेशन है आपको, और ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है वो विदाउट कॉस्ट मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 100% पे आउट ऑफ डिविडेंड, कि आपको जो भी इनकम होगी, कंपनी को जो भी इनकम होगी उसका 100% डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया जाएगा, कुछ भी रिटेन करके नहीं रखा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ईजी। उसके बाद नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, ये मैंने बताया था आपको कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट या कोई भी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट नहीं होगी, ये सारी हम अज्यूम करके चलेंगे। नो पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स भी नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है। रिस्क जो है वो कॉन्स्टेंट है, रिस्क का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिस्क बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर ओवरऑल कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करती किस पे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। अगर वो बढ़ेंगी या कम होंगी तो किसी और रीजन की वजह से होंगी, इनकी वजह से नहीं। जैसे और रीजन कौन से हो सकते हैं, अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में NOI अप्रोच, एक लिमिट के बाद अगर हम करते हैं तो उसमें हम जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, लेकिन वो कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं होती। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं होती तो किन की वजह से हो सकती है, ऑपरेटिंग इनकम की वजह से कुछ वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो सकती है, या फिर कुछ बिजनेस रिस्क होते हैं जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो सकती है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफेक्ट नहीं डालेगा। और अनदर कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि वी, वी मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एस, एस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस बी, बी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के साथ प्लस कर देते हैं तो ये आपकी निकलती है वैल्यू ऑफ द फर्म, कि आपकी मार्केट वैल्यू इक्विटी की क्या है, मार्केट वैल्यू डेट की क्या है, उससे आपको ओवरऑल वैल्यू पता चल जाएगी आपकी फर्म की। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर किया कि सब कुछ यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिखाया गया था, तो उसी तरीके से हमारी जो KO है, क्योंकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो चेंज नहीं होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट है। उसके बाद वी, वी वैल्यू ऑफ द फर्म,
तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये था आपका ऑल अबाउट चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो ये थ्योरीज की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो MM थ्योरी है, आर्बिट्रेज प्रोसेस है, और उसके साथ साथ हमारी जो ये दो थ्योरीज हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड नेट इनकम अप्रोच, ये दोनों ही थ्योरीज हमारी क्या हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और आपके एग्जाम में कई बार फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछ लिए जाते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए या इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स पर डिसाइड हम कर सकते हैं। So that's all for today. If you like my video, then click on the like button. And if you have any doubt, any query, you can post in the comment box. I will try to respond very soon. And don't forget to share this video with your friends. Bye. Take care.